हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटरनल न्यूनेटल केयर एंटीपार्टम गोल्डन की पॉइंट्स। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है लिस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व इन रूमेटिक फीवर। ऑप्शन ए एओर्टिक वाल्व, ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन सी मिट्रल वाल्व, ऑप्शन डी पुलमोनरी वाल्व। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना आंसर ज़रूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंटीपार्टम केयर रेफर्स टू केयर ऑफ ए मदर बिफोर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बिफोर जो मदर केयर दी जाती है उसे एंटीपार्टम केयर कहते हैं। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर थ्रू आउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो ब्रैक्सटोन हिक्स कहलाते हैं। चैडविक साइन ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी रेफर्स टू द कलर ऑफ द वेजाइना वॉल्स विच चेंज फ्रॉम नॉर्मल लाइट पिंक टू डीप वॉयलेट। चैडविक साइन प्रेगनेंसी का एक प्रोबेबल साइन है जो कि वेजाइनल वाल में चेंज से होता है। इसमें लाइट पिंक से इसका डीप वॉयलेट कलर हो जाता है। गुडेल साइंस ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। गुडेल साइन जो है वो प्रोबेबल साइन होता है प्रेगनेंसी का। इसमें जो सर्विक्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। हैंगर साइन ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट विच मे बी प्रेजेंट एट 6 to 8 weeks ऑफ गेस्टेशन। हैंगर साइन भी एक प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन है। साथ ही इसमें जो यूट्राइन सेगमेंट होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये कब होता है? 6 to 8 weeks गेस्टेशन पे मिलता है। इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस बिगेंस विद गेमेटोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल कॉल्ड गेमेट्स। द मेल गेमेट्स स्पर्मेटोजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनल फीरस ट्यूब ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। द फीमेल गेमेट्स ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्राफी एंड फॉलिकल ऑफ द ओवेरी ड्यूरिंग ओजेनेसिस। As gametes mature, the number of chromosomes they contain is halved through meiosis from 46 to 23. Conception of fertilization occurs with the fusion of a spermatozoa and an ovum oocyte in the ampulla of the fallopian tube. Conception or fertilization occurs with the fusion of spermatozoa and an ovum oocyte in the ampulla of the fallopian tube. The fertilized egg is called zygote. जो फर्टिलाइज एग होता है उसे जाइगोट कहते हैं। ए मेल जाइगोट इज फॉर्म्ड इफ
द ओवम इट फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्मेटोजोआ कैरिंग ए वाई क्रोमोसोम. ए फीमेल जायगोट इज फॉर्म्ड इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्मेटोजोआ कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम. After implantation, the endometrium is called the decidua. फिटस के implantation के बाद जो endometrium होती है वो decidua कहते हैं. Umbilical cord serves as the lifeline from the embryo to placenta. At the time, the umbilical cord measures from 20 to 22 inch, 51 to 56 centimeter in length, and about 3 1/4 inch, 2 centimeter in diameter. The umbilical cord contains 2 arteries and 1 vein and Watson jelly, which prevent kinking of the cord in utero. Blood flow through the umbilical cord at about 400 ml per minute. The fetus membrane includes the chorion and the amnion. The chorion is the fetus membrane closest to the uterine wall. It gives rise to the placenta. The amnion is the thin, tough inner fetal membrane that lies in the amniotic sac. The embryonic germ layer include the ectoderm, endoderm, and mesoderm. They generate fetal tissue. The ectoderm generates the epidermis, nervous system, pituitary gland, salivary gland, optic glands, inner of the lower portion of the anal canal, hair and tooth enamel. The endoderm generates the epithelial laying of the larynx, trachea, bladder, urethra, prostate glands, auditory canal, liver, pancreas and alimentary canal. The mesoderm generates the connective and supporting tissue, the blood and the vascular system, the musculature, teeth, enamel, mesothelial lining of the pericardial, pleural and peritoneal cavity, and kidneys and ureters. The amniotic fluid prevents heat loss, preserves contained fetal body temperature, cushion the fetus, and facilitates fetal growth and development. The amniotic fluid जो है fetal growth के साथ ही fetal को cushion किसी भी चोट से बचाव करता है, साथ ही वो temperature maintain रखता है. Amniotic fluid is replaced every 3 hours. When the fetus is in breech position, fetal heart tones are best heard at or above the level of the umbilicus.
Leopold's maneuvers can determine the fetal position. In obstetric, Leopold's maneuvers are a common and systemic way to determine the position of a fetus inside the woman's uterus. वुमेन यूट्रस के अंदर फिटल की पोजीशन पता लगाने के लिए जो ट्रिक यूज ली जाती है उसे लियोपोल्ड्स मैन्यूवर्स बोला जाता है। एंटीनेटल स्टेरॉइड में बी गिवन टू क्लाइंट बिटवीन 26 टू 32 वीक्स गेस्टेशन ऑफ इनहेंस फिटल लंग्स मैच्योरिटी। फिटल लंग्स की मैच्योरिटी के लिए एंटीनेटल केयर में 26 से 32 वीक में स्टेरॉइड दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज द टेक्निक ऑफ चॉइस इन डायग्नोसिस ए हाइटेटी फॉर मोल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दिया था उसका आंसर हम देख लेते हैं। लिस्ट कॉमन वेल वाल्व इन्वॉल्व्ड इन रूमेटिक फीवर। ऑप्शन ए ऑर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सी मिट्रल वाल्व, डी पुलमोनरी वाल्व। राइट आंसर है इसका डी पुलमोनरी वाल्व। रूमेटिक फीवर से पुलमोनरी वाल्व के इफेक्ट होने के सबसे कम चांस होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।